नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल सिन्हा गांधी पे। और आज हम आए हैं राष्ट्रपति भवन अमृत उद्यान, जिसको पहले मुगल गार्डन बोलते थे। और यहाँ पर जो है 159 किस्म के फूल की जो है वो फूल हैं यहाँ पर, ट्यूलिप्स हैं, गुलाब है, इसके अलावा बहुत सारे फूल हैं। और यहाँ जो है अमृत महोत्सव भी चल रहा है, वो मैं आपको दिखाऊँगा आज। पहले हम आज अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन घूमते हैं। यहाँ से एंट्री है, देखिए इधर से लोग एंट्री कर रहे हैं। ये बिल्कुल जो बिल्कुल सामने ये है यहाँ राष्ट्रपति भवन, और ये देखिए ये हमारी टीम, ये देखिए ये राष्ट्रपति भवन में अलग अलग किस्म के फूल, पब्लिक जो है बड़े इसमें पहुँचे हुए हैं। अलग अलग गुलाब के फूल हैं, पूरी दुनिया से लोग जो हैं ये हमारे उद्यान को देखने आए हैं, बच्चे बूढ़े सब पहुँचे हैं। बहुत खूबसूरत है गाड़ी, ये खूबसूरत फूल आपको वही देखने के लिए मिलेगी। ये है अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। और ये जो 2 फरवरी में शुरू हुआ है, 31 मार्च तक खुला रहेगा। ये सुबह इसमें जो है 10 बजे से एंट्री शुरू हो जाती है, और आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अमृत उद्यान बुकिंग का आप गूगल क्रोम पे जाएंगे तो उसमें आपको इसके एंट्री के लिए बुकिंग हो जाएगी। पानी दे दो। आज संडे है, बहुत भीड़ है। बेबी ये देखो, ये काव्या है। कहाँ है आप आज बताओ? राष्ट्रपति भवन अमृत उद्यान कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? पता आप दूसरी बार आए हो यहाँ? एक बार जब छोटे से तब आए थे, है ना। ये म्यूजिकल गार्डन है राष्ट्रपति भवन, देखिए आप कितने खूबसूरत है। आज संडे है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग बहुत बड़ी संख्या में आज लोग जहाँ अमृत उद्यान को देखने आए हैं। ये आप देखिए कितना खूबसूरत है। अरे नहीं भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, झंडे देखते हैं क्या कुछ झंडे देखते हैं क्या बढ़िया। ये सामने राष्ट्रपति भवन है, यहाँ माँ महिम राष्ट्रपति जी हमारी निवास करती हैं। ये पूरा अमृत उद्यान देखिए कितना खूबसूरत है, ये बहुत 159 किस्म के फ्लावर हैं यहाँ पर। पूरी दुनिया से लोग इनको देखने आए हुए हैं। ये देखिए आप पूरा राष्ट्रपति भवन है, देखिए पूरा अमृत उद्यान है। बहुत है, बहुत खूबसूरत है। ये देखिए सिर किस्म के फूल हैं, अमृत उद्यान लेकिन आप इसी का विषय ध्यान रखें कि जब भी आप यहाँ आए, जो ये पूरी बाउंड्री के अंदर आपको नहीं जाना है।
169 किस्म से भी ज़्यादा के फ्लावर हैं यहाँ पर, बहुत खूबसूरत है। ये देखिए गिर जाएगा, चलो गिर रहा है ना बेटा, बार बार गाड़ी में देखूंगा, चलो। बहुत भीड़ है आज, यहाँ लोग बहुत संख्या में जो है आज देखने आए हैं यहाँ उद्यान को। ये सामने बिल्कुल राष्ट्रपति निवास, इस टाइम द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उनका निवास है ये सामने राष्ट्रपति भवन। और ये पूरा अमृत उद्यान देखो, इधर देखो, टाइगर वो दिखाई ना दे रहा हूँ, बैठा वो पुलिस के जवान जो है यहाँ लगातार लोगों को मना कर रहे हैं पार्क में घुसने। पूरा अमृत उद्यान कितना खूबसूरत है, राष्ट्रपति जी का आवास तो इतना मिल रहा है यार, हो गए घर सबको पता मिल रहा है, कौन देखा ये व्यू आना चाहिए, ये कौन वाला, ये कौन है, चेहरा नहीं आया। ये देखो ये हमारी टीम, निधि कैसा हो, कैसा हो, कैसा लग रहा है, भीड़ भीड़ है ना, बढ़िया है ना, राष्ट्रपति भवन ये सामने, राष्ट्रपति भवन ये देखिए आप, पूरा ये राष्ट्रपति भवन है देखिए सामने, हमारे राष्ट्रपति जी रहती है। आज बहुत भीड़ है लेकिन बहुत लोग पहुँचे हैं आज अमृत उद्यान देखने के लिए, और अभी हम अमृत महोत्सव में जाएंगे, यहाँ जो लगा हुआ है आज उसका लास्ट डे है अमृत उद्यान महोत्सव जो है, अलग अलग देशों से जो आए हुए कलाकार हैं वो यहाँ पर जो है वहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई, वो भी देखेंगे भी। हम मुगल गार्डन हमने घूम लिया पूरा, अमृत उद्यान बोलते हैं उसको, पहले इसको मुगल गार्डन बोलते थे। और देखिए क्यों खुश होकर भी आपने क्या खाना है वहाँ पर, अलग अलग स्टेट के खाना खाएंगे आज, ये हमारी काफ़ी बड़ी खुश है। देखो ये देखो ये, यहाँ से अमृत उद्यान से अब हम जो है बाहर जा रहे हैं। अभी तक जो है यहाँ पर लगभग 312,282 लोग एंट्री कर चुके हैं, पाप रे बहुत भीड़ है, लोग बहुत पहुँचे हैं, लोग आगे लाखों की संख्या में लोग पहुँचे हैं, है ना काफ़िया, 3 लाख से ऊपर लोग पहुँचे हैं, लोगों ने क्रेज मेरे खूबसूरत फूल। गुलाब देखिए रेड व्हाइट, क्या भीड़ आप भी अभी हमारे साथ भीड़ में चल रही है, बहुत सुंदर है आप, ये अमृत उद्यान देखने के लिए आए हैं लोग, खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, और
कितने किस्म के फूल जब आपको देखने के लिए मिलते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है। पुलिस के जवान भी बता देते हैं कर रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छा है। अब हम अमृत विज्ञान महोत्सव भी यहाँ चल रहा है उसमें जाने वाले हैं, वहाँ क्या नज़ारा दिखाएंगे आपको। क्या वाकई में आनंदित करने वाला है। भीड़ देखिए आप, पूरे आज लोग पूरा अपना संडे इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को कंधे में दिखा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी पहुँचे इंजॉय कर रहे हैं। कितना खूबसूरत है गुलाबान खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है ये। 31 मार्च तक खुला रहेगा अमृत उद्यान, आप आइए और यहाँ जो है इस खूबसूरती का आनंद लीजिए। अलग अलग किस्म के फूल झरने, सबसे बड़ा अमृत महोत्सव चल रहा है, इसमें भी जाइए आप। कितना खूबसूरत है। ये अमृत ज्ञान राष्ट्रपति भवन ये देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ जो है आज लाखों की संख्या में लोग पहुँचे हैं, पूरे भारत से, पूरी दिल्ली से आज पूरा एंजॉय कर रहे हैं संडे का अपना। बहुत ही खूबसूरत उद्यान है ये। पहले जब हम कभी आते थे तो यहाँ बहुत कम भीड़ रहती थी, लेकिन अब जो है इधर मोदी गवर्नमेंट ने जो है इसका इतना वो किया है, इसका क्या बढ़िया है देख रहे आप। ये देखिए क्या खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन एक 169 किस्म के फूल हैं यहाँ बताते हैं, और 2 फरवरी से और 31 मार्च तक ये खुला रहेगा। आप आइए यहाँ इन खूबसूरत फूलों का और इन खूबसूरत झरनों का आनंद लीजिए। ये देखिए लोगों की भीड़ देखिए आप, कितनी भीड़ है। और ये है विविधता का अमृत महोत्सव। यहाँ अलग अलग स्टेट के जो स्टॉल हैं वो लगे हुए हैं, अलग अलग स्टेट से आइए है विविध अमृत। यहाँ से एंट्री, यहाँ आपको अलग अलग स्टेट के जो है स्टॉल हैं हमारे, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट लाइक नेवर बिफोर। यहाँ आप अगर भूख लग गई हो पूरा अमृत घर घूमने के, तो आप यहाँ खाना भी खा सकते हैं, यहाँ खाना भी मिलेगा आपको। और आज ये लास्ट डेट है आज इसका, आज ये 8 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो है अमृत उद्यान खुला रहेगा। अमृत उद्यान आप जो है अभी 31 मार्च तक आ सकते हैं। यहाँ अलग अलग स्टॉल यहाँ लगे हुए हैं। सबसे पहले मेघालय है, मणिपुर, यहाँ अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं।
देखते हैं इसमें क्या है अंदर। मेघालय के जो मणिपुर की कला संस्कृति और वहाँ की जो और ये जो है पूरा यहाँ लगाया हुआ है लोगों मणिपुर से। मैं मणिपुर से आया हूँ जी। कैसा लग रहा है आपको राष्ट्रपति भवन में परफॉर्मेंस करने में? बहुत अच्छा। और किस तरह का परफॉर्मेंस है यहाँ पे जो आप करने वाले हैं? यहाँ पे वॉल नोटिस का एक कोरियोग्राफी है जो प्रसन्न दत्त सर ने इसके बाद आपका है। थैंक यू थैंक यू। जो परफॉर्मेंस यहाँ देंगे ये देखिए आप तैयारी चल रही है मंच के पीछे है अभी आप ये देखिए कितना बढ़िया है लगता है तैयारी अभी सब परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं।
ये कौन सा डांस की तैयारी कर रहे हैं? वर्ल्ड डांस कहाँ का है ये? नागालैंड। नागालैंड से आप लोग? तो आप लोग पहली बार फर्स्ट टाइम आए यहाँ पर? तो ये जो आपने पहने हुए सब, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? ये हम लोग का कल्चर का ड्रेस है, कल्चर ड्रेस। ओके, तो इसमें क्या दिखाते हैं इस डांस में? इस डांस में हम लोग ये होमबिल मोच फेस्टिवल का ना फेस्टिवल डांस होता है, फेस्टिवल डांस है ये। वेरी गुड। तो ये नागालैंड के कलाकार हैं, ये देखिए। तैयारी कर रहे हैं, देखिए आप की खाने के मेरा को ये ओके नहीं ये यस को यस को यस दोस्तों आज हम आए थे अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन और यहाँ विविधता अमृत महोत्सव भी चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है उनके यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, आज वो आखिरी दिन था उसका और वो ख़त्म हो गया आज। अमृत उद्यान जो है 31 मार्च तक खुला रहेगा, आप आ सकते हैं यहाँ। फिलहाल मेरे आज के ब्लॉग में इतना ही, आगे भी मैं आपको उत्तराखंड और तमाम दूसरे जो मेरी यात्राएं हैं उनके बारे में ब्लॉग में बताता रहूँगा। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद।